नमस्ते बनारस, हर हर महादेव। अब देखिए हमारे साथ हमारे सब आप लोग सुनेंगे अगर रघुवीर जी को और फैसल भाई को तो आनंद आएगा, लेकिन दो मिनट के लिए माहौल दीजिए थोड़ा। ये है बनारस जिंदाबाद। तो आज हम हमारे वक्त के लीजेंड अभिनेता रघुवीर यादव साहब और फैसल भाई के साथ बैठे हैं। आप लोग इनको तमाम तरह से जानते समझते हैं, फिल्म और ओटीटी के बारे में बात है और थोड़ी सी जो रंगमंच पर क्या जो संगीत है उसके बारे में बातचीत होगी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मन दे दीजिए, थोड़ा सा दो मिनट का मौन दे दीजिए। बनारस तो बहुत अनुशासित भी है और बहुत मस्ती वाला भी है, तो थोड़ा सा मिक्सचर करिए, उसका अनुशासन भी चाहिए अभी आपका, थोड़ा सा शुरू हो जाए फिर उसके बाद मस्ती कीजिएगा। मैं करूँ तो बस शुरुआत करते हैं हमारे भाई फैसल से, गैंग्स ऑफ वासेपुर से शुरुआत की और उसके पुलिस ऑफिसर और उसके बाद प्रहलाद चाचा। तो ये जो शुरुआत हुई है, तो ये जो फिल्म के लिए एक चैलेंज हो गया है ओटीटी, कैसे देखते हैं फैसल भाई, और किस तरह से अलग है ओटीटी और किस तरह से उसके साथ है या पैरेलल है, जरा सा मुझे बताइए तकनीक और साउंड अभिनय और तमाम चीज़ों के बारे में। हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? तभी सही, थोड़ा सा अगर हेलो सबको, आप सबको, हाँ बोलूँ सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हाँ मैं भी पहले ऐसे ही करता था पर यह कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इतने ढेर सारे लोग। बनारस जो है सही, दो बच्चे हैं दो हाँ, तो थोड़ा सा अगर सब लोग शांति से सुनेंगे तो कुछ करेंगे, नहीं तो हम लोग गाना गा के भाग जाएंगे, है ना? इतनी दूर से आप लोग आए, हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ पहले सब लोग। दोस्तों हाँ बताइए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए झेलने और सुनने के लिए, और इतनी देर तक बैठे हुए थे तो और भी अच्छी बात है। और हाँ, अब आप क्या कहते हैं भाई? फैसल भाई बताइए कि ये जो मैं सीधे आप एक कैरेक्टर पे आता हूँ जो पंचायत का प्रहलाद चाचा बच्चे इतने वो आखिर में आते आते वॉल्यूम नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही, थोड़ा सा देखिए भाई, आवाज आ रही है? पीछे आ रही है, पीछे नहीं 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 उधर कह रहे, नहीं आ रही आवाज, अभी आ रही है? हाँ, थैंक यू। तो मैं आपके किरदार से शुरू करता हूँ फैसल भाई की, जो जैसा शुरू हुआ था किरदार आपका प्रहलाद चाचा का, प्रधान जी का, और किसी ने सोचा नहीं था कि आते आते वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा आखिर में, जिस तरह से आपने भावुक कर दिया पूरे सीन को वो, और जिस तरह से लोग रो पड़े उस किरदार को देखकर, उसकी जो जीवंत और स्वाभाविक अभिनय था उसको देखकर जिस तरह से लोग रो पड़े, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से, जो एक बड़ा जीवंत टाइप का किरदार था वो आखिर में आते आते ऐसा परिवर्तित हो गया? जी, उसमें थोड़ा सा टफ था, पर यह था कि जो जैसा लिखा गया था, और कोशिश करूंगा आइंदा से कि ऐसा कुछ ना करूँ, बहुत बहुत टफ काम होता है ऐसा एक्टिंग करना। रघु भाई से भी एक दो बार पूछा कि ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो एक अच्छी एक्टिंग मतलब मुझे लगता है कि तभी करेक्ट हो सकती है जब आपके आसपास का माहौल वैसा होता है जो हमेशा साथ रहे। और पंचायत तो डे वन से ही, अगर जो मैं अच्छा कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा हाथ जो है रघु भाई का होता है, क्योंकि पूछता रहता हूँ उनसे। बेशक 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 बहुत बहुत शुक्रिया बेशक बेशक बेशक
एक चीज़ और बताइए, फिर मैं रघुवीर साहब से बात करूँगा कि जो ये OTT है, जिस तरह से ये ग्रो किया है, जिसने मतलब एक तो समानांतर था ही सिनेमा के, लेकिन अब जिस तरह से दरवाजे खुले हैं, जिस तरह से ऑप्शंस ओपन हुए हैं अभिनेताओं के लिए भी, एक्टर्स के लिए भी, टेक्नीशियंस के लिए भी, तो आप इसको कैसे देखते हैं, कहाँ तक जाएगा ये? OTT हिट हुआ है क्योंकि ये लोग हैं उसकी वजह से। क्या बात, जो ये ऑडियंस है ना यहाँ बैठी हुई है, जिसने जो है बनाने वालों को पुश कर दिया कि थोड़ा सा अच्छा बनाओ, दिमाग हमारे पास भी है। क्या कहने, क्योंकि ये जो बेचारे घर में अपने देख रहे थे ना, कई हज़ार साल का चलता हुआ डेली सोप, उससे तंग आ गए थे, तो इन ऑडियंस की वजह से जो है मेकर्स को पुश हुआ बनाने के लिए, और ये इसके आगे और अच्छा होता जाएगा, क्योंकि ऑडियंस ही जो है एक ऐसा टूल होता है जो मेकर को पुश करता है उससे भी आगे सोचने के लिए। बहुत सही बात है, यानी आपने अपने ऑडियंस पे भरोसा किया। शुक्रिया आप लोगों का, आपके राइटर्स ने भरोसा किया ऑडियंस पे अपने, और ऑडियंस ने उसको सही साबित करके दिखाया। दिव्य भाई बैठे हैं, हमारे दौर के अहम राइटर हैं, हमारे बीच बैठे हैं। रघु भाई, आपकी जो किरदार है, मैं अभी तक देखता हूँ, मैं मैसी साहब को जब देखता था शुरुआत में, जब मैं समझना शुरू किया था चीज़ों को, तो मैसी साहब से लेके और लगान, दिल, चेहरे के जो चेहरे में जो जल्लाद का एक किरदार, फिर पंचायत का प्रधान जी वगैरह वगैरह, इतनी मुंगेरी लाल, इतने वेरिएशंस हैं आपके किरदार में जो आम तौर पर एक्टर्स में नज़र नहीं आते। ये वेरिएशंस को और उतनी ही संजीदगी, उतनी ही जीवंतता, उतनी ही स्वाभाविकता से निभा देना, ये बहुत कठिन काम है, कैसे कर लेते हैं? कठिन काम तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सरल काम है। क्या बात, नमस्ते भैया, मैं अकेला हूँ और आप इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो बताइए क्या करें, बताओ। चलो सब बोलते हैं सुनिए, आप जरा दो मिनट सुनिए, बनारस प्लीज, है ना, सुनिए। बड़ा बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, आप लोगों से बात करके, कि आप सुनने से पहले ही बोल देते हैं, तो पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए, फिर आप बोलेंगे तो हम सुनेंगे, ठीक है? सुनिए, देखिए, BHU की अपनी एक गरिमा भी है, मस्ती है तो उसकी गरिमा भी है, और पूरी दुनिया में BHU जाना जाता है, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं ना। हाँ हाँ, लौकी तो प्रधान जी देते ही हैं लौकी अरे तो, मेरे मालिक लौकी। आप सभी से आग्रह है जी, कि कृपया शांति से रहेंगे तभी आपको बनारस का भी आनंद मिलेगा और सर के बातों का भी रस मिलेगा, तो प्लीज 10 मिनट की बात है, 15 मिनट की बात है, शांति से सुनिए, अच्छा लगेगा आप लोग को, और एक बढ़िया मैसेज भी यहाँ से जाएगा। प्लीज, डायरेक्टर को आप बार बार कोट कर रहे हैं, प्रधान जी, उनकी लौकी, प्रहलाद चाचा, वो कैसे बने, कैसे उभरे, उसको आप उस यात्रा को अगर महसूस करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा। जी 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 प्रभु, एक्चुअली मैं बचपन से ही ऐसे ही, मैं बिल्कुल गांव से हूँ, बिल्कुल देहात से मैं निकल के आया हूँ, और मैं तमाम उम्र, क्योंकि मेरा थिएटर से ताल्लुक रहा, तो तमाम उम्र मैं सीखता ही रहा, और हमेशा मैंने सीखने की कोशिश की, अभी यहाँ से भी बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ मैं। क्या बात, तो क्या है कि अगर आप सीखने की नियत से जिंदगी को चलाते तो हमेशा सीखते ही रहेंगे, तो मैं बचपन से लोगों के साथ रहा, जिस तरह के मैंने कैरेक्टर करे उस तरह के कैरेक्टर के साथ मैं रहा हूँ, उनको समझा हूँ, उनके उनके जज्बातों को समझा, और उनके जज्बातों के साथ साथ उनके रहन सहन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं करते आया, और थिएटर में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, तो यही है कि, और मुझे कभी एक ही तरह के कैरेक्टर करने में कभी नहीं मज़ा आया, इसलिए मैं हमेशा अलग अलग तरह के कैरेक्टर ढूंढता रहता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि उस कैरेक्टर में डूब जाऊँ, उसकी आत्मा को, उसकी रूह को पकड़ लूँ। और दूसरी बात ये कि एक जो एक्टिंग लव्स है, मैंने वो अपने जहन से निकाल दिया है, कि जैसे ही आपके जहन में एक्टिंग आती है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक्टिंग हो जाती है, वो रियल नहीं रह जाता। क्या बात, तो मैंने एक्टिंग लव्स बहुत पहले छोड़ दिया,
आप में से भी अगर कोई एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टिंग लफ्ज निकाल लिए, जीना सीखिए कि जिया कैसे जाए। वाह। डूबना सीखिए, जब तक आपको डूबना नहीं आएगा आपको तैरना नहीं आ सकता। तो मैं तो डूबने की कोशिश करता हूँ, जो भी मुझे किरदार मिलता है तो बस मैं डूबता रहता हूँ और डूब डूब के सीखता रहता हूँ। इसी इसी का नतीजा है कि इतने सारे वेरिएशंस हमें, इतने कैरेक्टर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं जब हम आपके सामने आते हैं, और उसमें चाहे मुंगेरी लाल हो, चाहे जल्लाद हो, चाहे प्रधान जी हो, वगैरह वगैरह। खैर, आप इतने सीनियर हैं, आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि आप अभिनय के उस मकाम पर हैं जहाँ पहुंचना बड़ा कठिन होता है, आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हुए अभिनेता हैं। और इतने सहज, इतने सरल, इतने स्वाभाविक कि ऐसा होना बहुत कठिन है, वाकई बहुत कठिन है। और मैं ये हमेशा मानता हूं कि आसान होना, आसान लिखना, आसान करना बहुत कठिन होता है, लेकिन इसे साबित किया है रघुवीर जी ने कि ये उतना आसान भी होता है। मुझे बताइए कि आप जी के, आपके जूनियर अभिनेता हैं, उनको आप बहुत प्रमोट करते हैं, साथ देते हैं, ये सब मानते हैं, ना सिर्फ दबे स्वर से बल्कि खुले दिल से। एक्चुअली मैंने कभी किसी को जूनियर नहीं समझा, आज तक अपनी लाइफ में कभी किसी को नया नहीं समझा, क्योंकि हम सब जब एक साथ होते हैं हम सब नए ही होते हैं। और अगर नए मैं पुराना बन जाऊं तो फिर वो बात नहीं बनती, अगर वो भी नया तो हम भी नए हैं, और हर काम नए तरीके से ही शुरू होता है। तो मैंने कभी अपने सीनियरिटी मैंने कभी नहीं दिखाई, ना मैं कभी सीनियर रहा हूं, ना मैं ऐसा कि मैंने बहुत सारी फिल्में, जब भी कोई नई फिल्म आती तो मैं शुरू से शुरू करता हूं, हमेशा हमेशा, क्योंकि जब आप किसी भी कैरेक्टर करते अगर उसको जीरो से ना शुरू किया जाए तो समझ में नहीं आता, वो पकड़ में नहीं आता। जी जी। तो हमेशा कोई भी कैरेक्टर करता हूँ, चाहे उससे पहले कोई कर भी चुका हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि नए सिरे से उस कैरेक्टर में जाऊँ और उस कैरेक्टर को सीखूँ, और सीखने के बाद उसमें डूब के फिर उस कैरेक्टर को परफॉर्म करूँ। बहुत सही, बहुत सही। कुछ आपके लिए फरमाइशें भी हैं, मैं आप लूँगा, लेकिन पहले ज़रा फैसल भाई से एक बात पूछ लूँ जी, कि जो OTT है इस समय, जो एक मामला और जिस तरह से जगह बनाई समाज में उसने, वो बहुत चौंकाने वाला भी है और खुश रखने वाला भी है। आप इसको कैसे देखते हैं कि तकनीकी के तौर पर और जीवन के नज़दीक आने के रूप में अगर देखें तो ये कितना आगे है? आगे क्या, एक पुराना स्टोरी टेलिंग जो है अपने यहाँ का, वो कि हिंदुस्तान में मुझे लगता है हिंदुस्तानी कहानी ज़्यादा चलती है। क्या हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो अपनी कहानी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, बनिस्बत जो है कोई ऐसी कहानी, क्योंकि वो अटैच हैं, कनेक्टेड हैं। हमारे अंदर अभी ऐसा बहुत कुछ नहीं हुआ है जो बाहर की दुनिया में है, फैमिली वाइज भी, हमारे अपब्रिंगिंग, हमारा रिलीजियस, जो हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत है, तो वो हमेशा कनेक्ट करता है। और इस फॉर्मेट के आने से क्या हो गया कि अब लोग अपना मनचाही चीज़ देख सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो ऐसा है क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उसका बहुत साथ दिया है, और काफ़ी लोग जो नया यूथ जिसे हम कहते हैं, जो यहाँ बैठा भी हुआ है, तो वो अपनी एज के हिसाब से, अपनी जिस एज का है, जिस समझ का है, वो अपने हिसाब से वो कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहा है और उसकी तरफ बढ़ता भी जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि राइटिंग वाइज और टैलेंट वाइज भी, अब हमारे जिस शहर में हम ये कर रहे हैं उस शहर के कितने अच्छे अच्छे टैलेंट अभी काम भी कर रहे हैं जी वहाँ जी। पे और यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो इस OTT क्या कह लीजिए या डिजिटल स्पेस में दोनों साइड से बहुत मेहनत हो रही है और बहुत अच्छा करने की कोशिश हो रही है। जितने भी अभी न्यू एज इंस्टाग्रामर भी मिलते हैं या फिर जो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो यहीं से चला रहे हैं बनारस से ही, उनका उनकी लिखाई देखिए, उनका सोचने का नज़रिया देखिए, तो ये अच्छा हो रहा है बहुत, और इससे अच्छा होने वाला है। आपकी कई फिल्में आ रही हैं, एक मलयालम फिल्म में आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, उसे बेस्ट फिल्म, हाँ जी 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 जी, उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। दूसरी भाषाओं में जाकर, दूसरी भाषाओं की फिल्मों में जाकर हिंदी के जरिए ये अभिनय का कमाल दिखाना कैसे मुमकिन हो पाया? देखिए, हम वैसे भी तो इतने साल से डब फिल्म देखते ही देखते हैं, और इसकी वजह से एक लैंग्वेज एक बैरियर नहीं रहा है, क्योंकि वो उसके नीचे सबटाइटल होता है, डबिंग होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। ये तक कंज्यूमर कितना स्मार्ट हो गया है वो बहुत ज़रूरी है, तो वो हर एक तरीके से अच्छा है। और मलयालम के अभी मैं एक और शायद कुछ करूँगा, तमिल में भी काफ़ी लोग अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस ने वो लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक कर रखा है।
आज आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो कोई एक बंदा एक तमिल फिल्म ही देख रहा होगा डब करते हुए या सबटाइटल में देख रहा होगा, तो ये बहुत अच्छी और बड़ी चीज़ हो रखी है सर। तकनीक का कमाल बहुत जी, जी, बहुत, बहुत बहुत सही कह रहे हैं आप। रघुवीर साहब आप थिएटर से रहे हैं, आपने शुरुआत थिएटर से किया था और थिएटर आपका पहला प्रेम आज भी है जी। आप थिएटर के प्रति आपका जो समर्पण है वो आज भी देखने को मिलता है। पियानो अभी आप तैयार कर रहे हैं जी, दिल्ली में अभी आप प्ले करेंगे उसका, तो वो उसके प्रति जो आपका समर्पण है ना, मैं देखता हूँ कई बार, मतलब वो सैल्यूट करने लायक है। आप थिएटर के बारे में जो हम बात करने वाले थे, कोई एक जो रंगमंचीय संगीत होता है जी, वो संगीत उसका अंदाज जरा हट के होता है। इसी बीच हमारे बीच एक फरमाइश भी आई कि लैला मजनू नौटंकी की अच्छा चीज़ें थोड़ी सी मतलब सुना दें अगर, और रंगमंचीय संगीत जो थोड़ा लाउड भी होता है, थोड़े उसके सुर बंजारे टाइप के भटक भी जाते हैं जी, तो वो उसकी थोड़ी सी झलक अगर आप पेश करते तो आनंद आ जाए। ज़रूर ज़रूर। दरअसल रंगमंच का जो संगीत होता है वो यहाँ से निकलता है, आत्मा से निकलता, तभी जाके सामने वाले की दिल में घुसता है। क्या बात, उसके हृदय में घुसता है। और रंगमंच का संगीत हमेशा दिल से गाए तो हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन फर्क फर्क आ जाता है। तो ये मैंने रंगमंच से सीखा, रंगमंच के संगीत से सीखा। तो मैं रंगमंच का कोई सुनाए देता हूँ और वो कैसे फर्क फर्क होता है जी, कैसे अलग अलग तरीके से गाया जाता है वो मैं बता देता हूँ जी। तो लैला मजनू आप कह रहे थे वो सुनाए देता हूँ, सुनिएगा। मैं अक्सर घर के आगे यूं आंखें बंद रखता हूँ, मैं अक्सर घर के आगे यूं आंखें बंद रखता हूँ, सबब ये है कि फिरता है जमाल यार आंखों में। तो लैला क्या कहने, लैला न मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैस हूँ और लैला मैं खुदा देख रहा हूँ। तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, और दोनों की शक्ल एक है किसको खुदा कहूँ। तो संभल कर बैठना, संभल कर बैठना, संभल कर बैठना ए हुस्ने लैला देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। क्या बात है, क्या बात। बिठा कर सामने, बिठा कर सामने लैला को देखे हजरत यूसुफ, और करे खुद फैसला हुस्ने जुलेखा देखने वालों। और हुआ अब चाहता है खत्म किस्सा मेरी हस्ती का, तमाशा देख कर जाना तमाशा देखने वालों। तो जमाने में तुझे सब साकी है मैं खाना कहते हैं, तो मुझको भी उसी में खाने का पैमाना कहते हैं। मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नजर देखो, खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो मगर देखो, और मुझी को बज्म में देखो, तमन्ना ये नहीं मेरी फिर अपने दिल के मालिक हो, जिधर चाहो उधर देखो। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। निगाहों से जो बचती हो तो दिल से भी निकल जाओ, और मेरे दिल में जो रहती हो तो पर्दा हो नहीं सकता। मिटा दूंगा मैं हस्ती को तेरी फुरकत में ऐ लैला, तुझे अगर शम्मा कहते हैं मुझे परवाना कहते हैं, तुझे अगर शम्मा कहते हैं मुझे परवाना कहते हैं। क्या कहने, क्या कहने। ये सही कहा आपने कि जो रंगमंच का संगीत है दिल से आता है और दिल तक पहुंचता है। ये इतना, ये देखिए हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, वरना मैं एक गज़ल के एक दो शेर आपको सुनवाता, ये मुझे संकेत मिल चुके हैं। अच्छा जी, एक शेर सुनवा दूं। अभी कल का दिन बाकी है जी, एक शेर सुनवा दूं। अभी तो शुरुआत है, आगाज है।
एक एक शेर सुनवा दूं। हाँ तो मुझे लगता है, देखिए मेरे मेरे कहने पे एक शेर सुनिए ये रघुवीर साहब से, कि अगर गजल को रंगमंच पे अदा किया जाए, नाटक में गाया जाए, तो क्या रूप ले लेता है। मेरे मेरी फरमाइश पर बस दो शेर मैं रघुवीर यादव साहब से गुजारिश करता हूँ जी। दो शेर मुझे, तू ख्याल है किसी और का, ओके सर, मुझे चाहता कोई और है। मैं ख्याल हूँ, सुनिएगा, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, हाय हाय, पसे आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह ना मिल सके, जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह ना मिल सके, तो फिर इस के माने ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रस बरसना शुरू हुआ था लेकिन वक्त की अपनी पाबंदी है। मैं बहुत शुक्रिया कहता हूँ फैसल भाई को, हमारे एक बुलावे पर तशरीफ लाए यहाँ बनारस, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया रघुवीर यादव साहब का कि जो अपने व्यस्त शेड्यूल में से निकल के यहाँ तक आए हैं हमारे बीच। एक बार ज़ोरदार तालियों से विदा करिए हमारे दोनों आज के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।